छींटने से पहले मैं मास्क पहन लेता हूँ, जैसे मेरी मम्मी ने कहा था कि मास्क छींट ले, मास्क मास्क पहन लेना छींटने से पहले। तो मैं मास्क पहन लिया हूँ, अभी मेरे पास मास्क है, डिस्प्ले बाबू वाला, बहुत ही अच्छा मास्क है। तो आए छींटते हैं हम लोग, दिखाते हैं ये पाउडर। हाँ ये है पाउडर, छींटना है इसे, ठीक ना। फिलहाल अभी नाना मांग रहे थे, उनको देते हैं पहले, देखिए ऐसे छींटते हैं हम लोग। हाँ कितना अच्छा। तो नाना नाना देखो, देखो। हाँ। नाना से मैं सीख रहा हूँ अभी। नाना बोल रहे हैं कि यमक मारना है केवल, बस। देखो केवल उतना ही तक, ज्यादा नहीं छींटना होता है। यमक मारना है, यमक साथ की पिल्लू उल्लू होता है ना, पिल्लू है यमक काचू होता है ना। अच्छा हाँ नाना पा रहे हैं ना, एक मुट्ठी था, एक मुट्ठी में। हाँ हटो हटो हटो, अब ये चौसा खेत बाकी छीट लेते हैं। अब कैसे तू कर रहा है, सब बर्बाद कर, तो कह चुके हम ये सीख लेते हैं आपसे। नहीं नहीं, अच्छा नीचे है ना। अच्छा तो नाना बोल रहे हैं कि ऊपर से बहुत उड़ जाएगा, थोड़ा सा नीचे से आप छींटें इसे, ताकि हवा में उतना मिक्स ना हो, बर्बाद ना हो। बर्बाद ना हो, देखो एक मुट्ठी में हुआ आरी टपा दे। हाँ एक मुट्ठी में कम से कम उतना कवर कर लेना है। नाना उधर है, हम इधर है। हाँ तू छिट रहा तो सब बर्बाद कर देगा, होगा नहीं। सही बोल रहे भैया, काहे बोलो भैया, ऐसे करी सब बर्बाद करके उड़ जा रहा है। लेकिन नाना जिस तरह छीट रहे हैं, बहुत लग रहा है कि कम छीटा है। अरे भैया मिनिमम अमाउंट में लगता है कि छीटा नहीं रहा। अरे बर्बाद कर, बर्बाद मत, अभी घर छीटना है। तब तो वो रहा। नाना का कहना है कि बर्बाद मत कीजिए, शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि मैं छीट पाऊँ। नाना मुझे अभी डांट रहा है कि मत छीटे, अभी तो मैं अभी नहीं छीटूंगा। नाना को मैं पहले देख लेता हूँ किस तरह वो छीट रहे हैं, वो छीटेंगे तो अच्छा ही होगा। जैसे ही धूप निकली है, अब शीत उड़ने वाली है। एक मुट्ठी और। नाना लगा कि बहुत थक गए। थक नहीं मारेंगे नहीं। ना नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना दूर तक हम लोग छीट लिए, अभी ऑलमोस्ट हम लोग का 40% काम हो चुका है, 60% उधर हम लोग को बाकी है अभी छीटने के लिए। We are spraying the powders, okay, to kill the insects and protect our crops and let it grow. उज्जर कर उसका क्या? नाना का कहना है कि छोटे छोटे थोड़ा वेट कर देना है। ये को मुट्ठी में हो जाता है, एक ही मुट्ठी में। अच्छा नाना का पैटर्न आप समझ सकते हैं कि पहले उस तरफ से आए हम लोग, अब इस तरफ से वापस जाएंगे, जो कि कवर नहीं किए हम लोग, तो वही कवर करने वाले हम लोग। आइए देखते हैं इनका एक्सपीरियंस, ये साझा करता है
कि ये काफ़ी टाइम छीटे होंगे, काफ़ी मतलब मैनी टाइम्स एंडलेस टाइम छीट चुके होंगे, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका छीटने में, एक्चुअली नॉट छीटने में, फार्मिंग में, ये फार्मिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है। इनका फार्म है एक, सॉरी इनका अपना एक ज़मीन है, अपना ज़मीन नहीं है, वो भी एक बटाया पर लिए हुए हैं, ये मेरा एक पर्सनल बटाया पर हुआ, तो वो उन खेत को आगे बढ़िया इस तरह वो मतलब बोते हैं, इस तरह काम करते हैं कि परफेक्टनेस दिखता है, बहुत ही लगन से काम करते हैं वो अपने खेत में, तो देख सकते हैं। मास्क पहनने पर थोड़ी घुटन सी होती है, लेकिन फिर भी इट इज़ मेड फॉर आर सेफ्टी, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट एंड शो ऑफ एन अपीयरेंस। नाना जिस तरह जा रहे हैं हम लोग को, उसी तरह हम लोग जाना पड़ेगा। अब शायद इनका खत्म हो गया है, मैं देने वाला हूँ लड़ी नाना बड़ा बड़ा बढ़ते रहिए, हाँ बढ़ते रहिए, अभी मैं मास्क पहना हुआ हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि नाक में आ रहा है उसका पाउडर, आई कैन स्मेल दैट। नाना भी थके थके लगते हैं, फिर भी कंटिन्यूस वो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, जा झल्ला करके दम मारी पर जा। फार्मर्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, रेस्पेक्ट फार्मर्स। चलो भागो भागो भागो, सरकारों से दरख्वास्त है मेरी कि भागो भागो, फार्मरों को बहुत बहुत एक्सपोर्ट, आई मीन बहुत ही हेल्प करें, सब्सिडीज दें उनको, हम जैसे फार्मर्स को, क्योंकि हम जैसे फार्मर्स के कारण ही देश चल रहा है, देश खा पा रहा है, अनाज हम लोग बोते हैं, हम फार्मर्स किसी से कम नहीं है। ओके, आई नो इट, आई अंडरस्टैंड कि उतना इकोनॉमिकल नहीं है, वी कांट बी रिच जस्ट बाय फार्मिंग, हो सकती है, बट एट द लार्ज वाइड, आई मीन वाइड स्केल, छोटे लेवल पर नहीं, छोटे स्तर पर नहीं, फिर भी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ओके, क्योंकि हम जैसे किसान के होने के ही कारण आप लोग घर पर बैठ कर खाते हैं, कुछ भी बन रहा है, पिज्ज़ा बर्गर ये सब कहाँ से आता है, उसके लिए फ्लोर आटा कहाँ से आता है, हम लोग बोते हैं, हम लोग उसे मार्केट में देते हैं, है ना, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री एट द बेस्ट लेवल। ओके, एट द बेस्ट पॉसिबल लेवल। आरा पर चल जा, आरा पर चल, चल आरा पर चल, जा तो लो, चलो नाना छिट्टे आ जाएंगे, बहुत ही डेडिकेटेड दिखे, हटो थोड़ा सा हटने के लिए बोल रहे हैं, ताकि नाक में ना आ जाए और अफेक्ट ना करे हमें लंग्स को, तो ही इज आई मीन एडवाइजिंग अस, सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप लोगों का बहुत ही प्यार रहेगा हमारे ऊपर, बहुत सारा प्यार दें, हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करें कि हमारा काम देश के लिए कैसे अच्छा है, हम फार्मर्स कैसे देश के लिए बकरी में काम कर रहे हैं, कैसे सहयोग दे रहे हैं, सो हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडिया, आई मीन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ओके, आर नेशन एज बीइंग अ फार्मर इन इंडिया। वैसे फार्मर्स का तो वैसे उतना इज्जत नहीं है हमारे देश में, पता नहीं क्यों, हर साल फार्मर्स सुसाइड करते हैं, पता नहीं क्यों, बिकॉज उनको सब्सिडी से अब हटा दिया गया है, कहते कहते सीधे सीधे, और उन लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, उनके उस उन नज़र से देखा नहीं जाता फार्मर्स को कि हाँ
वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। फार्मर्स हमारे लिए भगवान हैं, उनके लिए हम लोग को स्टैंड लेना है। वी विल हैव टू स्टैंड फॉर फार्मर्स। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, ओके, आई एम ऑल्सो, मेरे पापा फार्मर्स हैं एंड प्रेजेंटली आई एम ऑल्सो अ फार्मर। मेरे नाना ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपर्टिज्म फार्मर्स में इतना अच्छा है, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट। नाना को ज़रूरत है जी, नाना इस कदर छीटे हैं कि अभी तक इस लाइन में अभी बचा नहीं है कहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे छीटे हैं, स्प्रे किए हैं। नाना थोड़ा सा सस्ता रहे हैं, देखे था इतना बच गया, यही बचा मेंगे, उजर कर देंगे। तो हम जहाँ जहाँ मांगबो ना तहाँ तहाँ दी है, उजर कर दे बच्चा। नाना किस तरह बचा बचा कर काम कर रहे हैं, इस तरह चिटाता है, इस पैटर्न में चिटाता है। ऐसे छिटाता है, देखो भैया ऐसे छिटाता है, लाओ भैंस हम उज्जत कर दे भैया। अब तन मान है अब, हाँ से हटो हटो, अब शायद 50% हो चुके हैं, हटो ऐसे इस तरह मूर्छल मूर्छल, हाँ मूर्छल, इसे मूर्छल कहते हैं, हाँ है ना। हाँ जी, नाना के जवान से शब्द निकल रहा है मूर्छल, मूर्छल तो इसे मूर्छल कहते हैं। हाँ। पता नहीं ये कौन सा पैटर्न है, लेकिन इट्स न्यू टू मी एंड माइट बी मोस्ट ऑफ यू ऑल, ओके, काफी लोगों को ये न्यू लग रहा होगा मूर्छल। मूर्छल तो मूर्छल पता नहीं कैसा शब्द है, अभी थोड़ी सी घुटन सी हो रही है तो थोड़ा सा मास्क निकाल लेते हैं हम लोग। तो उजर कर देवे खेतवा खेतवा, हाँ तो अभी छिटली है का, हटो, he will whitening the entire plot by just spraying the powders around, okay, हट जा, हटो, he is asking us to be away from being, I mean where he is spraying the powders, okay, हटो हटो हटो, हट जा हट जा, हटो जा, हटो, हम मना न कर रहे हैं, हाँ हमारा जा दो, ये हुआ लाओ एक बुका, एक बुक में सब पहन गए नाम से राम, नाना अभी काफी थक चुके हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं ना। दिस इज हाउ फार्मर, आई मीन फार्मिंग इज डन, है ना। नाना कह रहे हैं कि इस तरह खेती होती है, देखो और हमसे सीखो, नाना का कहना है ये। हमारे नाना बहुत ही प्यारे हैं, बहुत बहुत ही प्यारे हैं हमारे नाना, हर चीज़ में मदद करते हैं। और शायद इनका 80 वर्ष हो रहा है ना, ज़्यादा 80 से ज़्यादा वर्ष हो रहा है इनका, फिर भी अकेले काम करते हैं खेत में, अपने फैमिली को अकेले खिलाते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। इनका अभी पेंशन आता है 15,000, उसी से 20,000, ओ 20,000 आता है, सॉरी इनका पेंशन, अच्छा ओ सॉरी, तो इनका अभी आता है 20,000 आता है, अभी पेंशन आता है इनका, तो उनसे घर चलाते हैं अकेले। हम क्या करो सब मांझ भाई, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, अब बूढ़े हो चुके हैं, 80 से ज़्यादा इनका उम्र है। और ये ही इज अ गुड फार्मर, नॉट अ गुड बट एक्सपर्ट फार्मर, हम कुछ समझ भाई जी, कुछ नहीं समझ, किसी को नहीं।
हमारा वहाँ वो कौन है बेटी सही बात है भगवान है एक्चुअली ही डिजर्व्स ये भगवान को मानते हैं और किसी को दूसरों किसी को नहीं मानते नहीं इनका अब इनका एकलौता भगवान ही सहारा है बस वही माँ हाँ वही माँ है माँ वही माँ वही पिता है माँ कहाँ दिया माँ माँ हमारी कहाँ दिया माँ 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 कहाँ दिया नाना कंटिन्यू बस अपने माँ को पुकार रहे हैं हाँ, कि माँ कहाँ गया वेयर इज माय मदर माँ एक्चुअली ही इज मिसिंग हिज मदर माँ कहाँ गया वेयर इज हिज मदर कौन कौन गया माँ क्या कोई दुनिया में ऐसा है कि नाना को अपने माँ से मिला सकते हैं मिला सकते प्लीज कमेंट नहीं हो सकता है अभी नहीं हो सकता है ना ये लाइफ की सच्चाई है कि जो जो आया है उनको सबको जाना है ना तो ऑब्वियस है कि ये अभी 80 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं 80 प्लस एज इनका है तो फिर भी अपने माँ को मिस कर रहे हैं बहुत माँ कहाँ गया माँ माँ बाहर बेटा मर रहा है दसोदा शर्मन बेटा हम शर्मन हैं माँ माँ कहाँ अपने माँ को नाना इस कदर प्यार करते हैं जैसे श्रवण श्रवण आप लोग जानते होंगे श्रवण कौन शर्मन शर्मन हाँ श्रवण जो अपने कान्हा पर लेकर के कामर मकारी के बाप के ढोता था अच्छा वो बेटा तू कहाँ है कहाँ है श्रवण ऐसा ऐसा बेटा था जो कि अपने माँ बाप को कान्हा पर लेकर घूम रहे थे मतलब कि हर कष्ट ले रहे थे इस कदर काम कर रहे थे कि मेरे जानते पापा को कौन मरा शर्मन को शर्मन को कौन मरा पढ़ाई लिखाई मत करो हमसे पूछो ना के पोता है और खरगोश कभी न माने पोत आप समझ सुन लीजिए जी शर्मन को कौन मारा तो कैट पर पानी भर गया कहीं किसी बेटा बड़ी प्यास लगा हुआ है खा छीटे है पानी हमको दो माँ अभी लाते हैं माँ अभी तुरंत लाते हैं दोनों काम रख दिया नाना बहुत मिस कर हाँ मम्मी को सुन लो पहले बात रो रहे कुकर कैट में शर्मन लिखा बेटा दुनिया में नहीं मिल सकता है और सुदामा लिखा सुदामा जैसे हाँ सुदामा दुनिया को भाइया है कृष्ण सुदामा उगल है भगवान और उनका दोस्त सुदामा सुदामा हाँ और माइक के बेटा सबसे प्यारा बेटा श्रवण शर्मन 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 ऐसा हो जाते बहन तो हम गंगे जी में तर जाए सही बात है पढ़ाई पढ़ने से नहीं होता है बुद्धि बढ़ा से सीखो तो आइए नाना का कहना है कि पढ़ाई केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है ये तो मॉडर्न एजुकेशन है हम लोग को वो इस कदर नहीं जा रही है उस डायरेक्शन में नहीं जा रही कि हाँ माँ बाप को इस कदर प्यार कर सके जो कि श्रवण किया करते थे है ना हाँ शर्मन को सुनिए ऐसा बेटा तू अपना माँ के किया है अब किए हैं क्या हम किए हैं माँ के गोड़ लगे हैं बाबूजी के मल गोड़ में सब पर छोड़ाए हैं रोते हैं भर रात आज रोए हैं बाबूजी कहाँ गए माँ कहाँ गए अच्छा। तो गंगा मैया आ गए बेटा मत रोवो तुम भेंट हुआ है गंगा मैया से क्या आप गंगा के पाटली पुत्रा एकदम हाँ पाटली एकदम गोरा पथरे गंगा मैया आ गए माँ छिप गए इलाज के मारे छिप गए कि हो सकता है निस्कार है फिस्कार है धरेगा पकड़ेगा सही बात है तो छिप गए गंगा माई तो फिर परदोष हुआ अच्छा ए भक्त हाँ। भक्त अच्छा। सुनो सुनो कहानी हाँ सुनाइए नाना कहानी सुनाना चाहते हैं हाँ एक कथा सुना तो वो कहे ना भगवान जी घबरा मत हम तैयार हैं छतर छा है तू दयालु हो तू करेजा से ककरो धन दे देता है लेकिन धन मांगने का कोशिश नहीं करता है।
नहीं करता है, नहीं गाली निकलता है, नहीं गलौज निकलता है, किसी से झगड़ा झंझट मत करो, मत करो, डोंट फाइट एनीबॉडी प्लीज, आप लोग लड़ना बंद करें, बंद करें, गाली देना बड़ी खराब, गाली नहीं दें, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली ना दें प्लीज, जी हाँ। तो कहने का मतलब यह होता है, भाई होता है तो सहोदर शर्मन ऐसा नहीं, क्या बात है, क्या है दुनिया में कुछ नहीं, ये पृथ्वी है, क्या है, क्या है, ये माँ है, यही माँ है, हमारा धरती, हमारा माँ है, बटैया जो हमारा माँ है, ये जो जमीन है हाँ, यही मेरी माँ है, माँ है हाँ, इसमें से सोना उगलावेंगे, पैदा होगा चांद होगा उसको हम अस्तम, आप समझ सकते हैं फार्मर्स, हम जैसे इस क्रॉप को सोना कहते हैं हाँ, क्योंकि सोने, आप जानते भी होंगे कि इंडिया को सोने के चिड़िया भी कहा जाता था, चिड़िया सोने का चिड़िया कहा जाता था हाँ, तो वही चीज हुआ। देखिए एक हम पढ़ाई पढ़े हैं उत्तर प्रदेश अथी में, तो कहिस ना किसे जो है, देखो मांझी सुनो, हम कहा कि सर बोलिए हाँ, तब बोलिस ना कि तुम मांझी नहीं हो, अच्छा तुम बड़ी विद्वान हो, हम कहा कि हमारा अक्षरों नहीं लिखने आता है, हम अनपढ़ हैं सर, नहीं तुम अनपढ़ नहीं है, तुम बड़ी विद्वान हो, बड़ी ज्ञानी हो तुम, तो कैसे तक से देखिए हम लोग का इंजीनियर फल कर दिया तुम, अच्छा वो कहे थे, वो कहे, अच्छा आपको हाँ कि हम किताब में देखे हैं, अच्छा आ तू कला से बनाता है, क्या बात है, तो आप समझ सकते हैं किताबी पढ़ाई उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना इनका खुद का एक्सपीरियंस था, किताबी पढ़ाई उतना ताकत नहीं जितना खुद के एक्सपीरियंस में ताकत है, जैसे कहो माला कहो कलसा कहो आपका शरीर कहो हम बना देंगे, क्या बात है, दीवार में घर में कहीं भी वो फोटो हम तुरा निकाल देंगे हाँ, डबुआ रे बोलू है बउआ छोटका रे तो तू बोली नहीं बोलेगा, लेकिन हम तोरा चेहरा उतार देंगे, कही क्या बात है, दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ इंडिया, इंडिया आप समझ सकते हैं, ये भारत का क्या उसे कला कहते हैं, कला बहुत ही अद्भुत कला है जो कि हमारे नाना में है बहुत ही अच्छा, टेक्निकल हम कर दिया आपको कहे ना कि क्या पढ़ाई पढ़ते तू लोग, अरे मतारी बाप के रुपया ने खर्चा कर रहा है रे, अरे पढ़ाई पढ़ा है, क्या पढ़ाई पढ़ा है, नहीं पढ़े आप लोग पढ़ाई नहीं, टेक्निकल माने टेलीफोन बिना तार के, बिना तार के, बिना बिजली के फोन आ जाता है, हेलो ही तो खेत में हगे चिता इतने ही बन रही बहुत ही फनी हमारे नाना हैं, अब बोलते हैं ना हाँ जी, अब तुरंत आ रहा है जी हाँ, तुरंत पहुंच गए तो दरवाजा पर है, अब खगोल है जा क्या लास्ट में इनका कहना ये था कि फोन से हम लोग काफी झूठ भी बोलते हैं कि नहीं, नहीं टेलीफोन से टेक्निकी से, तो इनका कहना था कि हम होते हैं कहीं और आज जवाब देते हैं कहीं और, कि हम लोग अभी है पटना में और बताते हैं कि नहीं अभी हम घर पे हैं निकलने वाले ऑफिस, तो समथिंग लाइक दैट ओके, तो हम लोग किसी भी तरह झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं फ़ोन से, ये एक लास्ट में डिमेरिट्स हुआ हमारे तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का, फ़ोन का है ना, तो नाना का आप लोग कहना समझ सकते हैं, ये फार्मर है लेकिन फार्मर है लेकिन इनका दिमाग इतना है जो कि एक पढ़े लिखे इंसान का भी नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें आप लोगों को कैसा स्टोरी लगा, इनका कैसा कथा लगा, वो स्टोरी नहीं एक सच्चाई है ना, तो हम जैसे फार्मर्स को हेल्प करें आप लोग, बहुत आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो गाइस होप यू विल लव आवर व्लॉग, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें टू एवरीबॉडी आई मीन टू एवरीवन, ओके सो हेल्प अस टू ग्रो आवर चैनल एंड बूस्ट आवर चैनल प्लीज़, it's a humble request to everybody.